ॐ हिरण्यगर्भसमर्थात्री भूतस्य जातः पतिरेव्यासि सदाधार पृथ्वीजामु देवा तस्मै देवाय हविषावि धीमा। जो सुप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा के पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग शुभ स्वरूप शुद्ध परमात्मा के ग्रहण करने योग्य होने का और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ॐ ये आत्मदा बलदायस विश्वमुपासते प्रसिसं यस देवा यस छाया अमृतं यस गतु कस्मै देवाय हंसावि देवा। जो आत्मज्ञान का दाता शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला, जिसने सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन को न्याय तथा शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुख का समुदायक है, जिसका न्याय मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु वाले दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। ॐ य प्राणतो निविशतो मैत्रे नेत्राय जगतो बभूव यैश्चतुपथचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषावि देवा। दो प्राण वाले और अप्राण रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गो आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की उपासना अर्थात अपने सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करेंगे। ओम येन दुर्ग्रा प्रतिजीत तड़ा येन स्वासमितिनम येन नाकम यो अंतरिक्षेरजसो विमानः कस्मै देवाय हविषावि देवा। जिस परमात्मा ने तीन स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोग लोकांतरों को विशेष मालूम अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों को निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के लिए प्रभु की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ॐ प्रजापते नकुटे पावनो विश्वादात्मानि परिताव भूव यत्कामस्ते जुहुमस्तनो अस्तु मयं श्याम पतयो गरीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन छिन्न सब उत्पन्न हुए जड़ देवता आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम लोग आपका आश्रय ले और वांछा करें, उस उसकी कामना हमारे सिद्ध हो गई, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हो गए। ओम सलोक जनिता सविदाता दामादि वेद भुवनादि विश्वा यत्र देवा अमृतमान साना हे मनुष्य, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्रांता के समान सुख जाए, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम का जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युग मोक्ष को धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक करते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है, अपने लोग मिलकर सदा उनकी भक्ति किया करें। ओम नये नये सुपतारायणे अस्मान् विश्वानि देव महिमानि विश्वानि
युधोदस्मजुहुराणवीनो गुरुस्थान्ते नमोऽस्मि देव। हे सुप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने वाले सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके आप लोगों को विज्ञान व राज्य ऐसी प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना प्रार्थना।